तीसरी चीज युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, विवेक पूर्ण है, कभी जरूरत है तो रात भर भी जागता है हिम्मत के साथ और हंसता है, जरूरत है तो दिन में भी सो लेता है, चोरों का डर है तो रात में जाग कर रक्षा करता है और दिन में सो लेता है थोड़ा, ये विवेकपूर्ण शयन जागरण। बिना विवेक का शयन कि रात में अंधाधुंध सो रहे हैं, घर में चोरी हो गई 10 लाख, सवेरे उठकर चिंता होगी, दुख होगा, रोगे बैठकर कि जो 10 साल के कमाई वो चली गई सब, क्यों? क्योंकि आपका शयन जागरण विवेकपूर्ण नहीं। मेरे पास एक सज्जन आए, बोले आज रात में 10-5 लाख की चोरी मेरे यहां हुई है। तो हमने कहा अच्छा हुआ, चोर का काम चल जाएगा। हमने कहा तुम कर क्या रहे थे? बोले वो दरवाजा खुला छूट गया। तो हमने कहा दरवाजा भी समझदार है, चोरों पर दया करके खुला छूट गया। बोले ना बच्चे बंद किए, ना हमने बंद किया, ना मेरी वाइफ ने बंद किया, खुला छूट गया, पीछे वाला दरवाजा, उधर से चोर आ गए, सब ले गए। तो हमने कहा चलो सहयोग राशि 5,000 देता हूं, जाओ मूर्खनाथ बर्बाद हो जाओ। ये लापरवाही, बेटों के भरोसे मत रहो, गोतनी गोतना के भरोसे मत रहो, स्वयं सचेत रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो, अपने घर का दरवाजा खुद बंद करो और घर के अंदर में शौचालय बनवाइए। ऐसा नहीं लेटरिन के लिए बाहर जाना पड़े, नहीं, अंदर सुरक्षित रहो, क्योंकि घर से ज्यादा घर वालों की सुरक्षा का महत्व है। घर वाले नहीं रहेंगे तो घर किस काम आएगा? और अंदर से भी ताला मारो। हो सकता है कोई बच्चा, कोई ना समझ परिवार का सदस्य रात में खोल दे, तो ऐसे भी घर में होते हैं सदस्य ना, हर घर में एक दो मूर्ख तो होते ही, हर आश्रम में 2-4 मूर्ख होते, खोपड़ी खोले घूमा करते हैं, कोई अकल पकल है ही नहीं। इससे तुम्हें स्वयं फिक्र करना पड़ेगा, उनके भरोसे नुकसान हो जाएगा। वही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि रात में भी जागो, अगर जरूरत है, जरूरत नहीं है सब ठीक है, आराम से सो जाओ। हनुमान जी रात्रि जागरण भी करते थे, हनुमान की ड्यूटी रहती थी, हनुमान की ड्यूटी में जरा सा चूक हुई तो राम लक्ष्मण को अहिरावण रातों रात उठाकर पाताल लोक चला गया, भगवान चोरी में चले गए। ये कहानी सिखाती है कि जरा सी चूक हनुमान से हो गई पहचानने में तो भगवान गायब हो गए, भगवान चोरी चले गए। जब भगवान चोरी जा सकते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान को जब अहिरावण उठाकर ले गया तब तो भगवान कुछ जाग ही गए होंगे, भगवान कंधे से उतर जाते, मुझे लगता भगवान को भी पातालपुरी देखने का मन होगा कि चलो देख लेते हैं। ऐसे जाएंगे तो टिकट किराया लगे, इधर उधर परमिशन लेना पड़े, अब अहिरावण वहां का राजा स्वयं सम्मान के साथ अपने कंधे पर बिठाकर लिए जा रहा है, अब चूकना नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। भगवान खुद चले गए राजी। यहाँ कुछ लोग राजी होते हैं ना, और सवेरा हुआ राम लक्ष्मण नहीं है, पूरे रामा दल में शोक छा गया, अरे जही पर दार मदार है ताही भुलाए आप, भगवान ही गायब हो गए, अब क्या होगा, अब युद्ध किसके लिए होगा, कौन ले गया भगवान? देखिए रावण भी बहुत षड्यंत्रकारी था, दोनों को गायब करवा दिया, अहिरावण को भेजा कि तू उठा ले उधर, इसलिए किसी से दुश्मनी हो जाए तो कृपया
जरा भी लापरवाही मत बरतना, कहीं भी वो कोई घटना घटित कर सकता है, सावधान रहिए। पता लगाया गया कि रात में पहरा किसका था, तो हनुमान जी का नाम आया कि हनुमान जी का पहरा था। बोले हनुमान जी आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, और भगवान चोरी हो गए, आप पहरे में थे मेन गेट पर, कैसे हुआ ये? सारे लोग हनुमान से नाराज हो गए। तो हनुमान जी ने कहा आधी रात को एक व्यक्ति आया था। बोले आया कैसे अंदर, आप आने मत देते, कौन आया था? बोले विभीषण आए थे। विभीषण को पकड़ा, ए विभीषण इधर आ, तुम आए थे रात में? बोले मैं नहीं आया था। ए हनुमान जी विभीषण तो बोल रहे कि मैं नहीं आया था, तो? बोले विभीषण के भेष में, विभीषण की आवाज में आया था, तो मैं सोचा विभीषण है, ये भी भगवान का भक्त मेरे जैसा ही है, तो इसको कैसे रोकूं, ये अंदर आ गया। तो विभीषण मुस्करा कर बोला, बोले कोई चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं समझ गया मेरा रूप बदल कर बनाने वाला कोई और नहीं हो सकता, केवल अहिरावण है, अहिरावण मेरा रूप बदल कर आया है, मेरी आवाज बोल लेता है, वो भगवान को पाता लोग उठा ले गए, चलो अब पता लगाओ। तो हनुमान जी से कहा गया कि तुम्हारी लापरवाही से भगवान गायब हुई, अब तुम ही लेकर आओ वहां से। हनुमान जी को तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि जिंदगी में दाग लग गया यार, क्या बताएं, इतनी सेवा भक्ति किया, लास्ट में सब डूब गया। हनुमान जी के अंदर था इतना मारूंगा ही रावण को ठोक के, ये तो धोखे में घुस गया, नहीं घुसने ही नहीं देते। याद रखना तुम पहरेदार हो, कोई व्यक्ति भेष बदल करके अंदर आ सकता, आवास बदल कर आ सकता है, सावधान। हनुमान जी जाते हैं, राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाते हैं, उठा लाते हैं जबरदस्ती। हनुमान जी बहुत वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, साहसी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, गायक थे, विद्वान थे, चतुर थे और योद्धा थे हनुमान जी। जिस भक्त में बहुत से गुण होते हैं वो भक्त अपने स्वामी की रक्षा कर सकता है, और जिस भक्त में कोई गुण नहीं है वो स्वामी को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए गुणवान भक्त बनो, साहिब बंदगी बनो, बुद्धू भगत मत बनो। अभी जैसे यहां आप बैठे हैं, आंधी तूफान आ जाए तो क्या करोगे तुम? तो तुम कहोगे हम भाग जाएंगे और क्या करेंगे, यही बुद्धूपने का लक्षण है, ये बुद्धू भगत का लक्षण है। आंधी तूफान आ जाए, तुम बुद्धिमान भगत हो तो क्या करोगे, दस दस भगत ये पाइप पकड़ करके नीचे खींचे रहो। आंधी भी एक ताकत है और तुम्हारी भी एक ताकत है, अगर आधा परसेंट भी आंधी की ताकत से तुम्हारी ताकत ज्यादा हो गई, भारी हो गई, तो पंडाल उड़ने से बच जाएगा, अन्यथा ये पाइप किसी के लग जाएगा। भागना नहीं है, भिड़ जाना है। फिर ज्यादा ही मौसम बिगड़ रहा तो क्या करोगे, बुद्धिमान भक्त का लक्षण, फटाफट इस चांदनी को, सीलिंग को खोल देना है ताकि हवा निकल जाए, कोई गिरे ना, कुछ ना हो चोट चपेट में। फिर क्या करना है, गुरुदेव को पहले सुरक्षित निकालना है, गाड़ी में बिठाना है, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से करोड़ों का कल्याण होता है। गुरुदेव सुरक्षित रहना चाहिए, मेन आदमी सुरक्षित, इसलिए मेरी गाड़ी यहां लगी रहती है, हमारा साधु बुद्धिमान रहता है, और चाबी ये बाजा बजाने वाले पास रहती है, जो बाजा बजा रहा है ये तुरंत बाजा छोड़ के खट स्टार्ट करके खोल देगा। अब मैं छलांग मार, मैं भी कोई ऐसा गुरु थोड़े हूं कि टुटरू टू चलू, मैं तो छलांग लगा देता, दौड़ जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति में, एक सेकंड में सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति इस संसार में समस्याओं को क्रॉस करता हुआ सफलता के शिखर को छू लेता है।
हे बंदे।